एक गीला का पेड़ है और ये टॉल स्पिंडल के ऊपर कोशिश कर रहे हैं हम इसके ऊपर काम करने की। गीला में एक खासियत होती है कि इसमें पीछे की तरफ ब्लाइंड वुड बहुत ज़्यादा आता है, मतलब कि उसके ऊपर ना लीफ आती है ना फ्रूट बड आता है, और ये मतलब क्योंकि इसका एपिकल डोमिनेंस बहुत स्ट्रांग है, ये आगे की तरफ भागता रहता है। तो इसमें अगर मेन लीडर को ना छेड़ें तो जितने भी टहने हैं बाकी उसके ऊपर सभी के ऊपर क्लिक प्रूनिंग करना ज़रूरी है, मतलब जो हम ओल्ड ट्रेडिशनल ऑर्चर्स में करते थे क्लिक, ठीक है। और ये जो क्लिक है वो थोड़े से एग्रेसिव होनी चाहिए, 8-9 इंच की बजाय और थोड़े छोटे होने चाहिए। इसका ऐसा करने का जो मेन रीज़न है गीला के ऊपर वो है कि अगर आप इसको क्लिक प्रून नहीं करेंगे तो ये सिर्फ आगे की तरफ भागेगा और पीछे की तरफ आपको आइज नहीं देगा, मतलब फिर आप स्टेम से दूर फ्रूट लेने की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो जब भी आप गीला को प्रून कर रहे हैं एक तो इसको क्लिक ज़रूर करें, इसको कभी भी इसके टॉप को छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको ब्रेंडीलाज भी मिल रही है 8-9 इंच की तब भी उसको आपने शॉर्ट करना है, क्लिक करना है। जितना आप उसको क्लिक करेंगे उतना वो आपको पीछे की तरफ फ्रूट देगा, बैक की तरफ जाएगा। ये टहने नी रोल के नीचे है तो इनको मैं हटा देता हूँ, लेकिन मैं इनको स्टब कट करूँगा, कम्प्लीटली फ्लैश कट में रिमूवल नहीं करूँगा, यहीं पे डेड वुड आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ऊपर अगर आप देखें तो इसमें यहाँ पे फ्रूट बड जनरेट हो रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इस टहने को देखें तो इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक कोई कट नहीं लगा था, यहाँ इसमें पहला कट लगा है, और पीछे की तरफ मैक्सिमम आइज जो है वो अभी बंद है, पर अब इसके ऊपर कुछ फ्रूट जनरेट हो रहे हैं। तो ये वैसे भी टहना ज़्यादा लंबा है तो हमें इसको शॉर्ट करना है, इसको क्लिक प्रून करना है, इसको रोकना है। तो यहाँ से हम इसको रोक देंगे इस तरीके से, ताकि ये और पीछे की तरफ हमारे को एनर्जी दे पूरा, इसके इसके जो जितने भी यहाँ पे ये स्प्राउट होते रहे, और जब ये एक बार एग्जॉस्ट हो जाए तो हम इसके ऊपर रिन्यूअल ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फिर से कट लगा, फिर से इसने एपिकल डोमिनेंस में भागना शुरू किया, यहाँ हमारे को फ्रूट बड है, इसको हम क्लिक करेंगे, छोटा कर देंगे, इसके ऊपर फ्रूट लेंगे और फिर इसको रिन्यूअल कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए अब इस टहने को लेते हैं, इसके ऊपर हमें ब्रैंडीलास मिल रही है जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, लेकिन हम इसके ऊपर 8-9 इंच नहीं छोड़ सकते, ये एग्रेसिव हो जाएगा, इसे हमें और शॉर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर हम स्टबिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि पीछे की ज़्यादातर आइज जो है वो कभी निकलती नहीं है, ये फिर स्टब का स्टब ही रह जाता है। तो इसमें क्या करना है, हमने 4 इंच से हमने इसको क्लिक कर देना है। सिमिलरली यहाँ पे भी 4 इंच से हमने इसको क्लिक कर देना है। अगर ये बहुत ज़्यादा भाग रहा है, इसको डोमिनेट कर रहा है, तो हम इसको समर में भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर अदरवाइज नेक्स्ट ईयर विंटर में कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे ये वाले जो टहने हैं ये बिल्कुल परफेक्ट एनर्जी में है, इसके ऊपर ज़्यादा भागने की एनर्जी नहीं है, इनको क्लिक, सभी को आप क्लिक कीजिए, आगे से भी इसको क्लिक कर दीजिए। अगर आपको लगता है ये आगे से ज़्यादा जा रहा है तो आप इसको फ्रूट बट से या फिर ईसाई से भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको काफ़ी कंट्रोल में रखेंगे गेला को। और अगर आप इसकी हेड को क्लिक नहीं करते हैं, आगे टिप को क्लिक नहीं करते हैं, इसमें मैक्सिमम पाउडरी मिल्डियो है, उसके फैलने के चांसेस होते हैं, तो गीला को क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। ये टहनी को लास्ट ईयर क्लिक किया गया था तो आगे ठीक है, ये भागा है आगे, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर हम इसे समर में हटा देते तो यहाँ पे और बढ़िया स्प्राउटिंग होती, लेकिन अभी ऑलरेडी यहाँ पे एक फ्रूट बर्ड बनने के चांसेस हो रहे हैं और एक पतली सी पिन निकल के आई है, तो हम इसको पिन पर से काट के इसको यहीं पर कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे इसके ऊपर फ्रूट लेने की। लेकिन इसके पैरेलली एक जो मेन हमारा टहना है ये यहाँ पे रिंग कट की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हुआ हुआ है। ये वाला जो टहना है ये हमारा अंदर की धूप को रोक रहा है, हम इसको रोक सकते हैं, फ्रूट बड से इसको कट कर दिया, ये भी ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा है, इसको हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। और हमने अपनी एनर्जी को इस तरफ से कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने क्लिक किया है, इसको हमने क्लिक किया है, तो अभी ये जो टहना है ये हमने शॉर्ट कर दिया है और हमने फ्रूट के चांसेस जो है वो यहाँ पे बढ़ा दिए। धीरे धीरे ये जितने भी आइज है ये स्प्राउट होंगे, इसके ऊपर फ्रूट बड के चांसेस आएंगे या पतली पतली पिन आएगी, जैसे कि ये ऑलरेडी निकल के आ रही है, पिन को हमेशा आगे से क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं और जो हमारे फ्रूट के जो चांसेस है उनको ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए गेला के ऊपर समर प्रूनिंग का बहुत बड़ा रोल है। स्पेसिफिकली अगर आप उसको सेप्टेम्बर में करते हैं, कोई भी ये एग्रेसिव वेराइटी जो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, इनको सेप्टेम्बर में क्लिक होना बहुत ज़रूरी होता है। ये बिल्कुल अभी सही एनर्जी में, लेकिन यहाँ से ये हमारे को एक और ब्रांच दे रही है जो आगे चल के हमारा रिन्यूअल बनने वाला है इस टहनी का। ये फ्रूट लेंगे, ये एग्जॉस्टेड हो जाएगी और ये टहनी चलती रहेगी, तो हम इसको क्लिक करते हैं, मतलब कि आगे इसको स्पेस देते हैं।
ये पतली टहनी है, इनको हम छोटा क्लिक करेंगे, ठीक है, और आगे से इसको क्लिक कर देंगे, इसके ऊपर अभी 1-2 साल हम फ्रूट लेंगे। एक्चुअल में ये हमारी तीरासाविया बन रही है अब, और ये जो है ये आने वाले फ्यूचर का तीरासाविया, तब हम इसको यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पे जैसे ये वाली जो एनर्जी है, इसको हम छोटा क्लिक करेंगे, इसको हम लंबा क्लिक करेंगे, लेकिन गाला में हर टहने को आपको क्लिक करना है। और जो आपका, अगर आप टॉल स्पिंडल के ऊपर या किसी भी मल्टी लीडर टॉल स्पिंडल पे, चाहे सिंगल लीडर पे टॉल स्पिंडल पे काम कर रहे हो, आपको कोई भी फ्लैश कट मेन लीडर के ऊपर नहीं लगाना है। बाकी बगल के टहनों को आप जहां मर्जी से काटो, उससे कोई आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, गेला अपने नए टहने जो है वो स्प्राउट करता ही रहेगा, ठीक है। जैसे ये छोटा एक स्टब लिया है, इसको थोड़ा सा लंबा स्टब लेना चाहिए, गेला को छोटे स्टब जो है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, जहाँ पे भी आप देखेंगे। जैसे ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने 4-6 इंच का एक स्टब लिया है और इसके ऊपर फ्रूट बड़ा गया है, फिर से एक 4-6 इंच का स्टब लेंगे, इसके ऊपर फ्रूट बड़ा आ जाएगा, ये 2-3 साल में एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर से इस पर स्टब लेके रिन्यूअल ले लेंगे। इस तरीके से गेला की जो एनर्जी है वो पीछे की तरफ धकेलते रहना है, इसको इसको काटते रहना है, कट करते रहना है। तो गेला के ऊपर क्लिक प्रूनिंग चलती है, इसके ऊपर स्टबिंग भी नहीं चलती, और लंबी लंबी ब्रांडीलास को भी आप नहीं छोड़ सकते। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे इसको क्लिक करते रहना है। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर इसमें वी क्रोच और वी एंगल बन रहा है, ज़्यादातर हम इसको डच कट से हटा देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है प्लांट की, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको बेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो 1-2 साल तो आप इसके ऊपर फिर भी फ्रूट ले सकते हैं, कि जब तक इसके ऊपर कोई और अच्छा सा अच्छे क्राउच एंगल का शूट ना आ जाए। और अगर ये आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इसमें नॉचिंग कर सकते हैं, नए शूट निकाल के लेके आ सकते हैं अच्छे एंगल के ऊपर। लेकिन ये जो वी क्राउच में जो आप इसको जीरो कर देते हैं, इसके ऊपर कोशिश कीजिए कि आप इस पर थोड़ा बहुत फूट ले और उसके बाद इसको ख़त्म करें। और जितनी भी ये पतली पिन है, ये हमेशा क्लिक होनी चाहिए गीला के ऊपर, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, खाली नहीं छोड़ना है, इनको हमेशा क्लिक करते रहना है। ये सारी की सारी पिन जो है ये हमेशा गीला के ऊपर क्लिक होती रहनी चाहिए। तो ये बेसिकली क्लिक प्रूनिंग है, और गेला के ऊपर हमेशा आपको क्लिक प्रूनिंग करनी है, और इसके ऊपर ना तो हैवी स्टबिंग करनी है और ना ही इसके ऊपर टहनियों को विदाउट टॉप किए छोड़ना है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रहे कि कोई भी टहनी हटाते हुए मेन स्टेम के ऊपर फ्लैश कट नहीं लेना है।